हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राउडली डिजिटल सर के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फेसबुक ऐड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। या दोस्तों, कई बार आप ऐड लगाते हो और आपका फेसबुक ऐड डिसेबल हो जाता है, जिससे आप नहीं देख पाते हो कि आपने किस तरह की ऐड बनाई थी जो रन कर रही थी। अच्छा, तो आपको बहुत दिक्कत होती है बाद में उसको बनाने में। तो इसके लिए मैं बताता हूँ सीधा सीधा। देखिए, जो कैंपेन आपको एक्सपोर्ट करना हो ना, उसको आपको क्लिक करना है और उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, इस पर देखिए ऑल आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रहा है। तो अच्छा, दो सेलेक्ट हो गया, मैं एक को करता हूँ, इस वाले को करता हूँ। अब देखिए, इस पे करा मैंने, अब मैं उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। देखिए, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ना जो फाइल मेरे पे एक्सपोर्ट हो रखी है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो वो ऐड मेरी पूरी यहाँ आ जाएगी। इमेज और वीडियो भी डाल सकता हूँ। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट पे ऊपर गए, सिलेक्टेड पे क्लिक किया जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, और इसके बाद कुछ नहीं करना, बस एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट होगा आपका, ये पूरा डाउनलोड हो गया CSV फाइल। अब देखिए ज़रा इसको, CSV और एक्सेल दोनों में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए ऐड लगी हुई है, जो जो मैंने डाला था सब आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं दूसरा ऐड बनाऊँगा इसको कॉपी कर सकता हूँ या इसी को अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए बजट आ गया, कितना पॉज कर रखा है वो लिखा आ गया। ठीक है, ये देखिए क्या टारगेटिंग ली थी मैंने। देखिए अभी मैं आगे दिखा देता हूँ, टारगेटिंग भी आपको इसमें दिखा देता है। देखिए दोस्तों, आगे दिखाता हूँ आपको मैं, वेबसाइट का नेम आ गया, एज आ गई, क्या एज ली थी मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरेस्ट में देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्लिक किया तो देखिए, इसको हटाता हूँ पहले। देखिए इंटरेस्ट में आ गया 30 एंगेज सुपर, फेसबुक पेमेंट यूजर 30 डेज, ये आ गया। और देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलाया, फीड में चलाया, स्टोरी में चलाया, ये सब आ जाएगा आपका। देखिए मोबाइल डेस्कटॉप लिया था। तो आप इस तरह से अपने ऐड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।